हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के साथ आया हूँ वो टॉपिक है आनुवंशिकता का पूर्व मंडलीय विचार के विरुद्ध प्रमाण, या इसको दूसरे रूपों में कहते हैं मिश्रित वंशानुगति का के सिद्धांत के विरुद्ध प्रमाण, या मिश्रित वंशानुगति के विरुद्ध प्रमाण के रूप में जान सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आनुवंशिकता का पूर्व मंडलीय विचार क्या था या मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत क्या है, उसमें मैंने कई टॉपिकों को डील किया था। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके विरुद्ध यानी आनुवंशिकता का जो पूर्व मंडलीय विचार दिए गए थे उसके विरुद्ध कौन कौन से प्रमाण दिए गए। साथ ही इसी का दूसरा नाम था मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत, तो अर्थात इसको आप कह सकते हैं कि मिश्रित वंशानुगति के विरुद्ध प्रमाण। देखिए, ये टॉपिक जानना आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप समझ जाते कि वो ऐसा ही होता है, क्योंकि आप उसके दाएं बाएं तथ्यों को नहीं सोचते, अपना दिमाग नहीं लगाते। अब यदि जिस समय मैंने टॉपिक आपको बताया कि आनुवंशिकता पूर्व मंडलीय विचार, तो आप जो विचार वहाँ पे बताया गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ठीक से वहाँ कंसंट्रेट नहीं हुए होंगे, मेरे वीडियो को देखिएगा सोचिएगा नहीं बिल्कुल मैं रक्त आके मिल जाता है या शरीर से बाष्प निकलता है वो मिलकर संतान निर्माण करता है, तरल करता है, पेंजीन करता है, इस तरह के विचार आएंगे। लेकिन उस वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत इसके विरुद्ध प्रमाण के बारे में मैंने चर्चा किया था, लेकिन यहाँ से सिस्टमैटिक रूपों से, यहाँ मैं आपको सिस्टमैटिक रूपों से क्या करूँगा कि बताऊँगा कि मिश्रित वंशानुगति के विरुद्ध कौन कौन से प्रमाण हैं, यानी जो मिश्रित वंशानुगति का जो सिद्धांत है उसे गलत ठहराता है। तो मैं इसमें पहला जो पॉइंट आउट करता हूँ वो पॉइंट आउट है एक लिंगी लक्षण। आप गौर से समझिए, मिश्रित वंशानुगति क्या कहता है कि प्रत्येक लक्षण नर एवं मादा के आपस में मिलते और संतान बनाते हैं। अब देखिए, लैंगिक लक्षण, एक लिंगी लक्षण मानिए या इसको कहिए लैंगिक लक्षण के बारे में, तब नर से जो लैंगिक लक्षण आएगा वो क्या आएगा, नर का लैंगिक लक्षण आएगा यानी कि पुरुष होने का लक्षण आएगा, चाहे वो तरल में आए, चाहे वो बाष्प में आए, चाहे वो रक्त से आए, चाहे वो कण के रूपों में आए, चाहे वो पेंजिन के रूप में आए, चाहे होमोकुलस के रूप में आए। लेकिन वो कैसे आएगा, नर से नर का आएगा। अब नर का जो लैंगिक लक्षण होगा वो नर से आया और मादा का लैंगिक लक्षण मादा से आया। अब जब दोनों मिलेगा तो आप सोचिए संतान कैसा होगा, उसमें नर और मादा दोनों के लक्षण होने चाहिए। क्या संतान नर और मादा दोनों के लक्षण के साथ होते हैं, नहीं होते। जवाब क्या आएगा, नहीं होते। संतान या तो नर होते हैं या मादा होते हैं, या तो नर होते हैं या तो मादा होते हैं। तो यह जो उदाहरण है यह बताता है कि मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। अब इसके विरुद्ध दूसरा प्रमाण लेते हैं। दूसरा प्रमाण के रूप में हम लोग लेंगे संकर संतति का। दूसरा जो प्रमाण लेंगे इसके विरुद्ध वो क्या आएगा, संकर संतति का। अब देखिए, संकर संतति क्या होता है समझिए, जब किसी लक्षण के विरोधी विशेषक वाले जनकों के बीच क्रॉस कराते हैं तो उस क्रिया को संकरण कहते हैं और उससे उत्पन्न संतति संकर संतति कहलाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, ये मानिए कैपिटल टी यानी ये क्या है, शुद्ध लंबा जनक है, इसमें नर या मादा कुछ भी लीजिए, और ये शुद्ध बौना जनक है। ये क्या हो गया, लंबा और ये बौना। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों का लक्षण संतान बनेगा तो आएगा, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, तो मिश्रित वंशानुगति के अनुसार संकर संतान हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों के लक्षण के माध्यमिक गुण वाले होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि जब हम लंबा और बौना को क्या करते हैं, इसमें करते तो ये जो संतान होता है या तो लंबा होता है या तो बौना हो जाता है।
या तो लंबा हो जाता है या तो बौना हो जाता है। तो इसमें दोनों का लक्षण तो नहीं आ रहा है। यदि उभयनिष्ठ लक्षण आए तो मान सकते हैं कि मिश्रित वंशानुगति यानी दोनों का लक्षण आ रहा है। इसी प्रकार आप त्वचा के रंग में भी देख सकते हैं। यदि किसी का पिता काला और माता बिल्कुल गोरी होती है तो संतान सदैव क्या होना चाहिए था, सांवले वर्णों का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि माता पिता दोनों गोरे हैं और संतान काले हो गए। कई बार ऐसा भी होता है दोनों काले फिर भी संतान गोरा हो जाता है। मिश्रित लक्षण नहीं आ पाता, या एक काले गोरे तो संतान या तो काला या तो गोरा हो जाता है। यहाँ तो त्वचा के रंग का मिश्रण तो नहीं हुआ। उसी तरह से ये लंबापन का भी तो मिश्रण नहीं हुआ। संतान या तो लंबा होते हैं या तो क्या होते हैं, बौना हो जाते हैं। त्वचा के रंग में भी बताया, या तो गहरे रंगों के हो जाते या तो बिल्कुल साफ रंगों के होते। तो ये भी क्या है, संकर संतति में जो लक्षण आ रहे हैं वो भी जनक के मिश्रित रूपों में नहीं आ रहे। तो ये भी क्या है, मिश्रित वंशानुगति के विरुद्ध प्रमाण है। अब इसी को तीसरा एंगल में हम लोग देखेंगे, कौन, संकर संतति को ही। अब देखिए तीसरा पॉइंट में क्या मैं बताने वाला हूँ कि संकर संतति का जब आपस में क्रॉस होता है, अभी जो संकर संतति बना था क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इन संकर संतति का आपस में निषेचन कराते स्वनिषेचन कराते हैं तो इससे संतान हमेशा क्या होना चाहिए था, दोनों सेम लक्षण के तो दो हमेशा संतान इसी प्रकार होना चाहिए था। कैसा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि लंबा, ये भी लंबा मानिए ये भी लंबा है तो हमेशा संतान क्या होना चाहिए, लंबा ही होना चाहिए। मतलब जैसा जनक है दोनों उसी तरह होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ा सा उलट है। क्योंकि ये इनके जो संतान होते हैं ना, कुछ तो इनके जैसे होते हैं लेकिन कुछ क्या होते हैं, इन दोनों से मिलते जुलते नहीं होते, बल्कि इनके ऊपर के पीढ़ियों से मिलते जुलते होते हैं। चलिए इसको हम दोनों पीढ़ी एक साथ बनाते हैं तब आप लोग समझिएगा। ऐसे देखिए, पहला पीढ़ी में मैंने क्रॉस कराया था कैपिटल टी का स्मॉल टी से, ये लंबा ये बौना, इसको शुद्ध लंबा शुद्ध बौना भी कह सकते हैं। इससे जो संतान बना यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या बना, लंबा बना। क्योंकि फिनोटाइप मतलब जो लक्षण प्रदर्शित होगा उसको आधार मानते हैं तो ये भी लंबा बना। अब लेकिन जब इसका हम लोग निषेचन कराते हैं सेम इसी के जैसा से, मतलब स्व निषेचन कराते हैं, मानिए इस दोनों से जो संतान हुआ, दो संतान हुआ, एक लड़का एक लड़की के रूप में चयन करते हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जब ये युग्मक बनेगा, गेमिट बनेगा, तो क्या बनेगा, एक साइड ये कैपिटल बनेगा टी और ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी। अब देखिए इसका क्रॉस कराइए, ये या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, ये या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। अब देखिए जब ये यहाँ गया तो क्या बना, कैपिटल टी, और यदि यहाँ गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, या यहाँ गया तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यदि यहाँ गया तो स्मॉल टी। अब यहाँ गौर से समझिएगा, ये दोनों तो बिल्कुल जनक के समान है, जैसा जनक है वैसा संतान हो रहा है। ये तो मिश्रित वंशानुगति को मान लेते फॉलोअप करता है, लेकिन गौर कीजिए इस पर और इस पर, क्या ये बिल्कुल जनक के समान है, ये शुद्ध लंबा हो गए। इसका जनक तो यहाँ पे एक और दो जनक में कोई भी तो कैपिटल टी नहीं था, ये कैसे हो गए, ये एक पीढ़ी ऊपर मतलब अपने दादा दादी के जैसे हो गए, ये कैसे हो गए, यहाँ दादा दादी जैसे हो गए। यानी तीसरा प्रमाण यही है कि संतान हमेशा अपने जनक के जैसे नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, लक्षणों को लाते हैं, और लक्षणों को कई पीढ़ी से ला सकते हैं, वो छुपे रह सकते हैं, और पुरानी पीढ़ी का लक्षण भी संतानों में, नए जो संतान आ रहे उसमें आ सकती है। जरूरी नहीं है कि केवल माँ बाप के लक्षण जैसे ही होंगे, ये भी मिश्रित वंशानुगति के विरुद्ध प्रमाण है। इसके विरुद्ध एक और हम लोग प्रमाण को देखेंगे, वो प्रमाण क्या था, मटर का बीज का रंग के अगेंस्ट में।
यदि आप चौथा प्रमाण के रूप में इसको देख लीजिए, इसके बारे में मेंडल ने कई प्रयोग भी किए हैं बाद में। यदि आप पीले मटर के बीज को लीजिए, पीला मटर के बीज के लिए कैपिटल वाई और हरा मटर के बीज के लिए स्मॉल वाई, ये पीला बीज, ये हरा बीज, इन दोनों के क्रॉस से सदैव क्या होते हैं, देखिए जीनोटाइप हम बना रहे हैं तो ये सदैव क्या हो जाते हैं, पहला पीढ़ी में सभी के सभी पीला बीज हो जाते हैं। यदि मिश्रित वंशानुगति बिल्कुल सटीक होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, या तो एक ही बीज में पीला वाला भी भाग होता, हरा वाला भी होता, या मानिए एक मटर में 6 गो दाना है तो उसमें से 3 क्या होना चाहिए था, पीला 3 हरा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। तो ये सब क्या दर्शाता है कि मिश्रित वंशानुगति में खामियां हैं, वो सही नहीं है। अब एक और एविडेंस हम आपको देना चाहेंगे, आप चूहा ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, नर और मादा दोनों चूहा के पूंछ को काट दीजिए, बचपन में ही काट दीजिए, जन्म लिया काट दीजिए। आप उनके संयोग से उत्पन्न संतान को देखिए, क्या लगता है आपको कैसा होना चाहिए, क्या उनमें पूंछ होगा कि नहीं होगा? उसमें पूंछ होगा, उसमें पूंछ होता है, लेकिन मिश्रित वंशानुगति क्या कर रही थी, प्रत्येक अंग से तरल निकलता है, या बाष्प आते हैं, या प्रत्येक भागों से जनन के लिए रक्त आते हैं, या अगला सिद्धांत कण आते हैं, पेंजीन आते हैं, ठीक, होमन कुलस पूरा बने हुए आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इस प्रयोग से आप दर्शा सकते हैं कि जब प्रत्येक अंग से जनन के लिए पदार्थ आएंगे तो जिसमें जिस जीव में जो अंग नहीं रहेगा तो उसके संतान वो अंग नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप चूहा और चूहिया दोनों क्या कीजिएगा, पूछ को काट के उनमें निषेचन कराइएगा तो उनके संतान में पूछ होगा। जैसे किसी आदमी का हाथ कट जाता है लेकिन उनमें जो जनन से संतान होते तो वो हाथ कटा हुआ नहीं जन्म लेता है, तो अभी क्या करता है, मिश्रित वंशानुगति के विरुद्ध प्रमाण को दर्शाता है। इस प्रकार से आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं कि कोई भी जो तत्व होता है ना, उसे प्रायोगिक रूप में तोलना जरूरी होता है। जब तक आप प्रायोगिक सत्यता को नहीं देखिएगा, जब तक प्रायोगिक रूपों से उसे उस सिद्धांत को